इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के पहले मैच में ही आरसीबी के कप्तान विराट कोहली चोटिल हो गए। दरअसल विराट कोहली फील्डिंग के दौरान कुणाल पांड्या का कैच लेने की कोशिश कर रहे थे। मुंबई के बल्लेबाज कुणाल पांड्या ने मिड ऑफ के ऊपर से शॉट मारने का प्रयास किया। कुणाल पांड्या का यह शॉट काफी तेज था। कोहली ने कैच करने की कोशिश की, उसी दौरान गेंद उनके हाथों से छूटकर उनके चेहरे पर लग गई। बाद में उनकी आंख के पास निशान भी देखा गया। बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का पहला मैच शुक्रवार को यानी 9 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा। बेंगलोर ने मुंबई को 2 विकेट से हराया। मुंबई इंडियंस की पारी के 19वें ओवर की पहली गेंद पर विराट चोटिल हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि गेंद लगने के बाद भी कोहली फील्ड पर डटे रहे और फील्डिंग करते रहे। बात करें आईपीएल के पहले मैच की तो ये काफी रोमांचक था। आरसीबी ने टॉस जीतकर मुंबई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। मुंबई ने 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए। ओपनर क्रिस लिन ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने 31, ईशान किशन ने 28 रनों की पारी खेली। आरसीबी की ओर से हर्षल पटेल ने 4 ओवरों में 27 रन देकर 5 विकेट लिए। इनका आखिरी ओवर काफी दिलचस्प था। डिविलियर्स जब चौथे बॉल पर रन आउट हुए तो 2 बॉल में जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। कमाल का प्रदर्शन करते हुए सिराज और हर्षल पटेल ने 1-1 रन दौड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई। डिविलियर्स के अलावा इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने 39 और कोहली ने 33 रन की पारी खेली। आपको बता दें कि इससे मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच अब तक खेले गए 29 मुकाबलों में 19 बार जीत मुंबई के हाथ लगी है। वहीं आरसीबी अब तक 10 मैच जीतने में सफल रहा है। बात करें विराट कोहली की तो विराट ने अपनी कप्तानी में एक बार भी आरसीबी को आईपीएल की ट्रॉफी नहीं दिलाई है, पर इस बार विराट कोहली जीत की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। इसके लिए नीलामी में कई बड़े नामों पर टीम ने दांव भी लगाया है और इस बार के आईपीएल की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए काफी बेहतरीन हुई है, शानदार हुई है।